हाथ धरले विनेश बजरंग, हाथ धरले पूर्वतन रेसलर विनेश फोगट, तांको सहित रेसलर बजरंग पुनिया मध्य कांग्रेस से मिसी। किछि दिन तले उभय ओलंपियन विरोधी दल नेता राहुल गांधी को भेटिथिले। राहुल को भेटिबा परे कांग्रेस साधारण संपादक केसी वेणुगोपाल को साक्षात करिथिले। विनेश एवं बजरंग उभय को हरियाणा निर्वाचन रे कांग्रेस प्रार्थी करि पारि बोले आलोचना करा जाउछ। 90 आसन विशिष्ट हरियाणा विधानसभा पई अक्टोबर 5 रे वोटिंग अछि। बेस किछि दिन हेबो विनेश फोगट खूब चर्चा रे रहिछन्ति। निकट रे पेरिस ओलंपिक्स रे कुस्ती रो 50 किलोग्राम वर्ग रे फाइनल रे पहुँचिथिले विनेश, किंतु फाइनल पूर्वरु अयोग्य घोषणा होइथिले। आ पेरिस रु फेरिबा परे तांकु हरियाणा रे विपुल स्वागत करा जाइथिला। विनेश को स्वागत करबा को विमान बंदर जाइथिले हरियाणा रु कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुडा। गत वर्ष मे मास रे कुस्ती रे महिला खिलाड़ी को निर्यातना को विरोध करी आंदोलन को लेइथिले विनेश फोगट। तत्कालीन भारतीय कुस्ती महासंघ रो मुख्य तथा बीजेपी नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह का विरोध में जोरदार आंदोलन होता। यह सहित विनेश कृषक आंदोलन को मध्य समर्थन करुछन्ते। आ तांकु हरियाणा रु हरियाणा निर्वाचन रे कांग्रेस कैंडिडेट करी पारे ए भली आलोचना करा जाउछि। एंड रिलीव देम वंस अगेन विद ग्रेट प्राइड वी आर ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट अंडर द डायरेक्शंस ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड एलओपी we are very happy to induct them in Indian National Congress. Thank you very much. Thank you Venugopal ji. अब स्वागत का सिलसिला समाप्त करने के बाद अधिकृत रूप से बजरंग पुनिया जी और विनेश फोगट जी को पार्टी में शामिल करने का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं आग्रह करूंगा वेणुगोपाल जी से, हमारे महासचिव प्रभारी दीपक बावरिया जी से और उदयभान जी से कि वो उनका स्वागत करके उन्हें पार्टी में शामिल करें। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। विनीत विनीत तेणु ये घटनाक्रम को किभली देखा एवं राजनीतिक दृष्टिकोण यार केते प्रभाव रही से संपर्क अधिक आलोचना करने राजनीति समीक्षक प्रोफेसर मानस बेहरा आम सहित जोड़ी। प्रोफेसर बेहरा स्वागत करने आलोचना को। बहु चर्चा होता विनेश फोगट कांग्रेस से जोग दे पारती कारण राहुल गांधी को भेटा पर चर्चा जोर धरी और विशेष भाव में जमीती ब्रिजभूषण सिंह सहित मानने मतभेद जो कार्यधारा को सत विरोध कर आंदोलन अंत वर्तमान परिप्रेक्षी कांग्रेस ताकु निज दल प्रति फायदा को नेबा को चाहिबो कि हरियाणा निर्वाचन रे उभयन को निर्वाचन रे ओल्ही रणनीति रण क्षेत्र रे ओल्ही निश्चय कांग्रेस पे एटा लाभदायक हबो। दुई जण पुनिया एवं फोगट ये कोट ना कोटी विनेश फोगट नो केस जोटा ओलंपिक रे हला से माटी रे आख्या एक प्रकार भारतीय जनमानस रे आसीला। आपण देखिबे ई जो रेसलर माने एमानंकर प्रभाव हरियाणा रे अच्छी प्राय प्रत्येक ग्रामांचल एवं परिवार रे रेसलर माने आसंती तेणु तांकर जो अन्याय तांक प्रति हेतला प्रथमे ब्रिजभूषण सिंह जो जौन उत्पीड़न विरोध रे से माने संग्राम कले एवं साखी मल्लिक मध्य सेते थिले ये जोरदार आंदोलन लंबा आंदोलन से माने कले पुणी मात्र 100 ग्राम पई से जो कटिगले पेरिस ओलंपिक्स रे एवं फाइनल को प्रथम बेला से जाइथिले तेणु निश्चित तंग प्रति अन्याय होली धारणा सृष्टि तार प्रभाव हरियाणा पॉलिटिक्स रे अच्छे। कांग्रेस ये दि जन को छिड़ा करी निजर फायदा नब प्लस आप सहित जो मेट कह गोटे बार्गेनिंग मूलचाल शक्ति अधिक रेणु निश्चित भाव में आशा करा जहाँ स्ट्राटेजी रणकौशल कांग्रेस हम ये दि जन को से विधानसभा निर्वाचन में छिड़ा कर कारण दिज प्रमुख चेहरा पुनिया और फोगत हे विशेष करी यंग भोटर एवं रेसलर परिवार जो अच्छा प्लस चाषी आंदोलन सहित को नैतिक समर्थन जेहेतु फोगत तेणु तार प्रभाव अच्छी ये सब दृष्टि देखियो दी राजनीतिक भाव में ए कांग्रेस लाभवान हम तार नेगेटिव प्रभाव निश्चित भाव बीजेपी ऊपर पड़ो गोटे भल गोटी चाणना कांग्रेस करी। विनेश फोगट सहित बजरंग पुनिया मध्य रही अर्थात विनेश फोगट जो सिंपाथी रही तार फायदा बजरंग पुनिया को भी जदि कांग्रेस सेठी उतारुची तार फायदा मध्य तांकु मिलिबो निश्चय दुईण दुईण निश्चय लाभवान हे लाभदायक हे कांग्रेस पाई एवं भूपिंदर सिंह हुडा ये रणकौशल मुख्य निर्माता कांग्रेस
रणकौशल ये दृष्टि देखा निश्चित भाव इटा भल गोटी चाला भल रणकौशल एवं कांग्रेस एडवांटेज पोजिशन अच्छी हरियाणा फेर निकट को आलोचना को फेर विनेश फोगट कौन कहते शुणने में गई, मैं फाइनल्स में गई, अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज मंजूर होगी। एक चीज मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो जरूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीजों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े, हम उनकी लड़ाई में साथ हैं। शायद उनको आज हिम्मत मिले कि जो पार्टियाँ पावर में रहती हैं शायद वो साथ में नहीं खड़ी हों, लेकिन उनके बहन भाई हैं जो उनके साथ में खड़े हैं। और हमें पता है स्पोर्ट्स में कितना गलत होता आया है, नहीं बोल पाते हैं खिलाड़ी। आप हमसे देख लो, बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज उठाई थी हमारे साथ बैठ के। तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जो लड़ाई थी वो जारी है, खत्म नहीं हुई है, कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, जिंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो मारे हैं देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा ये, हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही परसेंट हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है, किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में जरूर खड़ी रहूंगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में जरूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद दिनेश जी। मैं बजरंग पुनिया जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार आपके सामने रखें। सभी को नमस्कार, और मैं धन्यवाद दूंगा केसी जी का, हरियाणा के प्रभारी हमारे दीपक बावरिया जी का, अध्यक्ष हमारे उदय पान जी का, पवन खेड़ा जी का, और विनीत पुनिया जी का, और जितने भी कांग्रेस के हमारे लीडर हैं उन सब का, कि हमें विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। और जो भी आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है, और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे, और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। जैसे रेसलिंग में बचपन से 7-8 साल की उम्र में लगे थे, जब यह पता नहीं था कि हम ओलंपिक मेडल जीतेंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए, और वो मुकाम हमें मिला, क्योंकि ओलंपिक से बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता। और जिस दिन विनेश फाइनल में गई, उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ, लेकिन अगले दिन जो घटना हुई, पूरा देश दुखी था, लेकिन कुछ आईटी सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी, तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है। और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे
और जो संघर्ष की लड़ाई उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और जो विनेश ने बोला कि हम हर जो महिला जो बेटियां देश की बेटियां हैं जिनके साथ अत्याचार होता है हम उनकी आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद विनेश फोगट एवं बजरंग पुनिया उभय कांग्रेस से योगदान करिछंती। आलोचना करा जाउछि जे सेमानंकु हरियाणा निर्वाचन रे कांग्रेस प्रार्थी करि पारे, तेणु कांग्रेस पाई गोटे ये बड़ मान रणनीतिक फायदा हो पारे से संपर्क में आलोचना करुले। आम सहित जोड़ी हुई रही राजनीति समीक्षक प्रोफेसर मानस बेहरा। प्रोफेसर बेहरा, जहाँ आम देखुले कुस्ती योद्धा राजनीतिक भाषा अर्थात राजनीतिक परिभाषा जो कथागुड़िक से कहते जो घटनाक्रमगुड़िक वर्णना करुँच घटनाक्रम सहित संपूर्ण भाव में पूरा देश परिचित रही तेणु हरियाणा रे जदि से भली गोटे परिवर्तन आड़ इशारा करुँच कांग्रेस से फायदा नौची ताले पूरा देश ये गोटे मानने गोटे मानने कहुई पार्बन कि गोटे किसी सिग्नाल दौर गोटे दिग दर्शाऊँ। निश्चय कारण दीटा फैक्टर तक वक्तव्य देखिए जोगता फोगत कहले जे जो लड़े आम लड़ू से लड़े असंपूर्ण अच्छे चलो आम शेष पर्यत लड़ू तार्थ से खेल मैदान जो लड़ुले प्रति अन्याय एवं जो जन आक्रोश थिला कौट ना कौट लोक मान भितर उत्तर भारत में समग्र भारत वर्ष गोटे धारणा रहा जे भारत सरकार आउ गोटे कौन भल करते अधिक उद्यम करते लास्ट्रे से सिल्वर मेडल टा पाई था एवं ए जो जोन उत्पीड़न मामला बीजेपी एमपी के विरुद्ध से लड़ुले तो सही प्रभाव में हुए तो बीजेपी सरकार किसी कला ना तो यही गोटे आक्रोश जो विफलता शहे ग्राम पर कटिगले शेष रौप्य पदक पाइबा कथा जयंटली सी भी पाइले ना तेणु ये असंतोष को से राजनैतिक टर्न करके फायदा ना चेषा कर कांग्रेस ये दुटा मुख्य अस्त्र पुनिया और फोगत है। द्वितीय है चाषी आंदोलन। चाषी आंदोलन गोटे मेजर इश्यू वर्तमान हरियाणा इलेक्शन हम एवं ये जो कुस्ती योद्धा प्रति अन्याय ये मध्य गोटे मेजर इश्यू हम से अलग राजनेता मैंने प्रेजेंट करते जमी है ना फलप्रद बर्तमान दिज कुस्ती योद्धा तेल ये इश्यू टा उठेबे तो हरियाणा खेल खेल राजनीतिर प्रभाव बेसी थाए तेणु ये गोटे मेजर फैक्टर हम से भोट टर्न करने कांग्रेस तो फायदा पाव केत दूर फायदा पाव के सफल हम से तो समस्त कह कैंपेन स्ट्राटेजी एवं बीजेपी तो केमी मुकाबला कर देखार अच्छी कि प्रथम लड़ाई में कौट ना कौटी नैतिक विजय कांग्रेस दिजन को आणिकी एंकर शक्ति नैतिक शक्ति बढ़ी विचार कर। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर बेहरा आलोचना नाम स्तर तेणु कांग्रेस गोटे मास्टर स्ट्रोक खेली तेणु देखा कथा तार इंपैक्ट कि भाव में हरियाणा निर्वाचन जेहेतु आलोचना करनेश फोगट और बजरंग पुनिया को सेठू कांग्रेस प्रार्थी करपे तार इंपैक्ट कि भाव में ये निर्वाचन रोचे और बीजेपी तार केमी काउंटर करुच्च। बहुत धन्यवाद श्रुक्त मानस बेहरा आम सहित आलोचना रही।